नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो i20 अभी लॉन्च होने वाली इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि उस गाड़ी की इमेजेस आपको इंटरनेट के ऊपर काफी सारे दिख जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो पहले ही लॉन्च हो चुकी है। लेकिन जो गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगी और जो गाड़ी इंडिया के अंदर आएगी, उन दोनों के अंदर काफी थोड़ा फर्क होने वाला है। तो बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में और जो स्पाइड इमेजेस हैं उनमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप महिंद्रा थार के फैन हैं और महिंद्रा थार के लिए कोई एक ऐसी यूनिक चीज लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी महिंद्रा थार है 2015 या उससे पहले वाली, उसके लिए कोई एक स्पेशल कीचेन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक्सक्लूसिवली महिंद्रा की ब्रास कीचेन है। जी हाँ, वो मेटल की कीचेन है, ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं आसानी से और महिंद्रा थार की तरह एकदम रफ एंड टफ है। तो इस किचन को परचेस करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट mymotorgaadi.com पे जाके शॉप बटन पे क्लिक करके वहां पर आप 2015 के मॉडल की थार की किचन ले सकते हैं और या फिर 2020 वाली जो ऑल न्यू थार है उसकी किचन परचेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जाइए, अपनी मनपसंद किचन को परचेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो i20 का डिज़ाइन है वो पुरानी वाली i20 से थोड़ा अलग किया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बम्पर के आगे एक्स्ट्रा क्रम्बल जोन दिया गया है, ये जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा कंप्लाई करने के लिए और गाड़ी को थोड़ा और सेफ बनाने के लिए बनाया जाता है। गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा और लंबा किया गया है, यानी कि बूट स्पेस लगभग आपको 350 लीटर का मिलने वाला है। जी हाँ, 350 लीटर लगभग नेक्सॉन के बराबर मिलने वाला आपको। तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग में इंक्रीज हो सकता है। उस गाड़ी के अंदर 3 इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा वेन्यू के साथ किया गया है वैसा ही इस गाड़ी के साथ किया जाना चाहिए। 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलने चाहिए, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब IMT गियरबॉक्स इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो बाहर की इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पर 7 स्पीड DCT इस गाड़ी के अंदर आता है। इस गाड़ी के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको नेक्सॉन की तरह ही 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, यानी कि इको मोड मिलता है, एक कंफर्ट मोड मिलता है और एक स्पोर्ट्स मोड मिलता है। और तीनों के अंदर आपका स्टीयरिंग का जो वेट है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, साथ ही साथ आपका जो गियर चेंजिंग रेशियो है वो भी चेंज होता रहेगा। तो इंडिया के अंदर मुझे लगता नहीं कि वो सारे फीचर्स इस गाड़ी के साथ लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि अगर वो लॉन्च करते हैं उन सारे फीचर्स के साथ तो प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाएगी और इतनी बड़ी प्राइसिंग के साथ मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी हिट हो पाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर माइलेज, प्राइसिंग और कंफर्ट तीनों को ध्यान में रख के ही देना पड़ता है। इसलिए इस गाड़ी की टेस्टिंग जोर शोर से चल रही है। अब गाड़ी के एंटीना के बारे में बात करें तो शार्क फिन एंटीना आपको मिलने वाला है, बूट स्पेस के ऊपर, बूट डोर के ऊपर आपको वाइपर मिलेंगे, तो साथ ही साथ टायर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं और रियर में ड्रम मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो इंटीरियर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्यूल टोन इंटीरियर आता है। इसके जो एसी वेंट्स हैं वो ऐसा लगता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक ही है, लेकिन वहाँ पर बीच में गैप दिए हुए वहाँ पर एसी वेंट्स को बनाया गया है। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर i20 आती है वहाँ पर जो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया वो पूरा एनालॉग का लुक दिया गया, लेकिन पूरा का पूरा वो डिजिटल है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर वो क्रेटा जैसा ही दिखने वाला एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, साथ ही साथ क्रेटा जैसी ही एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। गाड़ी के रियर डोर के ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा। अब गाड़ी के लुक के बारे में बात करें तो गाड़ी के चारों तरफ आपको क्रोम फिटिंग्स दिख जाएगी, आपके डोर हैंडल के ऊपर आपको दिख जाएगी, रियर में आपको टेल लाइट्स के साथ साथ रन करती हुई दिख जाएगी, और जो टेल लाइट्स का डिजाइन है वो प्रॉपरली सी शेप का बनाया गया है, उसके नीचे ही आप फ्यूल टैंक की लिड दिख जाएगी और काफी यूनिक तरीके से फिट की गई है लाइट के ऊपर, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसी का पार्ट है। अब गाड़ी के हेडलाइट के बारे में बात करते हैं तो इसका सेटअप प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, साथ ही साथ उसके ऊपर LED डियर्स देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं लुक कैसी आती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहले ही लॉन्च हो चुकी है और उसकी जो लुक है अभी तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है कि क्रेटा के जो डिज़ाइन है, जो वाइड ब्रॉड डिज़ाइन दिया गया है, वही इस गाड़ी के साथ कंटिन्यू किया गया है वाइड फ्रंट ग्रिल के साथ। हालांकि इस गाड़ी का जो पिछला वर्जन था, पिछला जनरेशन था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल था, और ये जो जनरेशन फेसलिफ्ट, जो भी आप कहना चाहे जनरेशन अपग्रेडेशन, जो भी आप कहना चाहे, ये भी काफ़ी हिट होने वाला है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो हैचबैक होने के साथ साथ, प्रीमियम होने के साथ साथ एक फ्रंट में बोल्ड लुक लेकर आता है। जैसे क्रेटा के साथ इन्होंने किया था हुंडई कंपनी ने, वैसे ही i20 के साथ इन्होंने करके दिखा दिया है, एक बोल्ड लुक के साथ प्रीमियम हैचबैक। और सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की ये लगी, जो बूट है उसके अंदर जो पार्सल ट्रे होती है, जनरली होता है कि अगर आपके पास
पार्सल ट्रे है, तो अगर आपको बूट को बढ़ाना है ऊपर की तरफ तो आपको पार्सल ट्रे निकाल के साइड में रखनी होती है या फिर नीचे की तरफ रखनी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या किया है, इन्होंने पार्सल ट्रे को पुल डाउन का ऑप्शन दिया, यानी कि आप पार्सल ट्रे को पीछे की तरफ मतलब जो सीट है उसकी तरफ धक्का दीजिए, पार्सल ट्रे आपकी अपने आप नीचे चली जाएगी। लेकिन बूट के मामले में बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा बूट स्पेस दिया जा रहा है गाड़ी के अंदर, साथ ही साथ आपको सीटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अगर आप कोई और गाड़ी भी देख रहे हैं तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कीजिए, इस गाड़ी को देखिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप i20 की तरफ जाइए, बट इस गाड़ी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इसका जो पैकेज निकल कर आएगा, ओवरऑल पैकेज निकल के आएगा, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ, सेफ्टी के मामले में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या क्या आपको सेफ्टी के फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है वो इस गाड़ी के अंदर पक्का आने ही वाले हैं। और हाँ, सेफ्टी कंप्लायंस गाड़ी को होना ज़रूरी है, तो हो सकता है कि गाड़ी काफ़ी सेफ प्रोडक्ट निकल कर आए। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप महिंद्रा थार की कीचेन परचेस करना चाहते हैं, जो कीचेन महिंद्रा थार की तरह टफ है, रफ है और उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप मेरी वेबसाइट mymotorguide.com पे जाके उस कीचेन को परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी हैसल के, और आपके पास वो कीचेन सेफली पहुंच जाएगी बिना किसी शिपिंग चार्ज के। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।